दिवेटिया साहब, मंदा बहन और सभागृह में उपस्थित इला बहन, विद्यापीठ के कुलनायक भी, अनामिक भी है, और भी कई महानुभाव हैं जिनमें इसी प्रकार सोचने की क्षमता है, इतनी ज़्यादा तो नहीं पर, लेकिन इसी प्रकार। योगेंद्र जी को दृश्य श्राव्य माध्यमों में सुनते थे या इनका निवेदन कहीं पढ़ते थे तो आनंद का अनुभव होता था। इस देश की समस्याओं को अलग से देखने का दृष्टिकोण आप में है और जो चीज़ खड़ी की उसको छोड़ने का साहस भी है। गांधी जी ने कितना सारा छोड़ा है और छोड़ने से हमारी समझदारी कम नहीं होती, हमारी स्वस्थता बढ़ती है और जिसे आप योग कहते हैं उसका भी अनुभव होता है। आपने जो सूत्र कहा वो विद्यापीठ का सूत्र है, सा विद्या या विमुक्त है। तो विद्यापीठ के कुछ छात्र गांव में जाकर आसपास के गांवों को जोड़कर काम करते हैं, इसे ग्राम शिल्पी कहते हैं। कुछ पैसे भी देने की सुविधा है तो ये चलता है। गणेश देवी तो हमारे बहुत गहरे मित्र रहे और बहुत सुंदर गुजराती वो सीख गए थे और बोलते थे, अंग्रेजी के अध्यापक। तो आपने जिन लोगों को याद किया उनके साथ भी इन सब का कुछ न कुछ संबंध है। 1929 में सार्थ गुजराती शब्दकोश का प्रकाशन हुआ, 500 प्रतियां उस समय छपी थी, आज तो वही चलता है। और भाषा को एक अनुशासन में डालने का प्रयत्न किया गांधी जी ने। इसके साथ इन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा में सोचता हूँ और इसी में काम करना चाहता हूँ, यही सबसे बड़ा मार्ग है। कई जगह पर इन्होंने मातृभाषा की बात की है और आज गुजरात विद्यापीठ और जिन संस्थाओं से मैं कुछ जुड़ा हूँ, ग्राम भारती, लोक भारती, इन सब का यही कहना है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और उन सबको दी जाए जिनके पास सुविधा हो या न हो। ग्राम भारती और लोक भारती में एक ऐसी व्यवस्था की है, श्रम, कृषि का श्रम, यहाँ तो जमीन बहुत है, ग्राम भारती के पास 200 एकड़ है, लोक भारती के पास कम है, लेकिन काम करते हैं बच्चे और अपने पाठ्यक्रम के अलावा अगर श्रम करते हैं तो उनको दुगुना पैसा देते हैं। जैसे दिन के 200 रुपये है तो उनको 400 रुपये देते हैं और कुछ गरीब बच्चे अपने माता पिता को वो पैसे बेचते हैं। ये शिक्षा और समाज इस तरह से जुड़ता है। विद्यापीठ प्रतिवर्ष किसी न किसी महानुभाव को आमंत्रित करती है कोचरब आश्रम में, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, और कुछ लोग तो बदनाम किए जाते हैं जो आतंकी की सुरक्षा में मानते हैं, ऐसे भी आते हैं। इस साल जो पधारे थे बाबा आमटे के सुपुत्र और उनकी पुत्र वधु प्रकाश भाई और मंदाकिनी बहन, उस समय मैंने अपनी कविता का जिक्र किया था, छोटी सी रचना थी कि मंदा बहन अपने बच्चे को, आज तो वो भी डॉक्टर है और वहाँ हिमलकशा में काम करता है, तो उसको लेकर पास के कस्बे में गई थी और बच्चे ने फल देखे तो सेब, गुजराती में जिसको सफरजन कहते हैं, देखकर वो लालायित हुआ, मुझे चाहिए। तो मंदा बहन ने कहा कि बेटा इसके लिए पैसे चाहिए, और बच्चा पूछता है, साहब पैसा क्या होता है, पैसा क्या होता है? वो प्रश्न आपका भी है, उस बच्चे का जो है वो आपका भी है। पैसे से तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, एक आवश्यकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए चाहिए। अभी मैं दिनकर जी के गांव गया था तो लोगों को देखा, बिहार के लोगों को, चंपारण के बारे में पढ़ा था, आत्मकथा में बड़ा प्रकरण है, अरे क्या है, 3-4 महिलाएं या बच्चे हैं, इनके पैर में जूते नहीं हैं, 3-4 में से एक के पैर में जूते नहीं हैं।
तो बिहार का तो परिचय जयप्रकाश जी को ज़्यादा था हमसे, और गुजरात में पधारे थे हम लोग, उनके साथ 3 दिन रहे थे। इन्होंने एक आश्चर्य व्यक्त किया था कि गुजरात से बिहार में 3 गुना भ्रष्टाचार है, लेकिन वहाँ जागरूकता नहीं है। तो ऐसे तो हर राज्य के कुछ न कुछ सवाल हैं। अंत में 2 मिनट में गोरा का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूं। ये तो प्रकाशित होगा ये प्रवचन, ठीक है मंदाबान? आपने कई प्रवचन प्रकाश किए हैं और वो मैंने पढ़कर कुछ के बारे में लिखा भी है। तो रविन्द्रनाथ का उपन्यास गोरा, घरे बाहरे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन गोरा की बात करता हूँ। गोरा गौर महन, वो सनातन धर्म का बहुत आग्रही है, और उस समय ब्रह्मो समाज जो नए विचार को लेकर आया था उसका विरोध करता है। विवाद चलता रहता है, लेकिन फिर वो गांव जाता है, तब उसे भारत का परिचय होता है। उपन्यास के अंत में उसके जो पालक पिता है, ये तो उनको पिता और माता आनंदी को माता ही मानता है, लेकिन पालक पिता कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद ये श्राद्ध नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा पुत्र नहीं है। गौर मोहन पुत्र तो नहीं है, भारतीय भी नहीं है। एक विदेशी महिला का दंगे जो थे उस समय, उसका पुत्र इन्होंने पाला था, और इसको जब पता चलता है कि मैं जो सनातन धर्म का पक्षकार हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, तब उसे जो प्रेम मिलता है, सुचरिता का प्रेम तो था, माता का प्रेम भी है, और जो अस्पृश्य माने जाने वाली लक्ष्मी, उसे पानी मांगता है, सारे जो व्यवधान उसके भीतर थे निकल गए, और उसे भारतीयता का परिचय हुआ। रविन्द्रनाथ सूचित करते हैं कि सच्ची भारतीयता वही है जो भारत की भूगोल से बाहर जा सकती है। आपने जो वैश्विकता की बात की, वही हमारी भारतीयता है। ये तो आपका बड़ा संयम है कि उल्लेख नहीं किया। कुछ लोग बड़ी संकीर्णता जो दिखा रहे हैं, उनका उल्लेख आपने नहीं किया, लेकिन ये सब जानते हैं कि संकीर्णता के विरोध में आप खड़े हैं, वो सब जानते हैं। तो एक व्यापक रूप में भारतीयता और उसकी शिक्षा कैसे हम प्राप्त करें और दिलाएं। हमारे मित्र हैं एक अनिल गुप्ता, कभी मिल वो आपसे मिलेंगे, अगर आप नहीं मिले होंगे तो हमारी संस्था ग्राम भारती, उसमें उनको ज़मीन चाहिए थी, तो हमारे ट्रस्ट ने ज़मीन दी। क्यों? ये 100 साल के बूढ़े या बुढ़िया को मिलकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके अनुभव ग्रहण करते हैं, इस सृष्टि संस्था जो है। और आरोग्य के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, इसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं, काम करते हैं, एक दिशा है। और आपने पूछा गांव से मेरा जो संबंध है, मैंने कहा अभी 3 बजे जाऊंगा, आपको सुनने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा था, आया था। मैं तो यहाँ बैठकर सुनता तो भी इतना ही गौरव अनुभव करता, अपने पास में बिठाया आपको, दिवेटिया साहब को, मंदाबान सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते।